आज बात करेंगे हम 1934 में आए नेपाल भारत भूकंप के बारे में। भारत के इतिहास में सबसे भयानक भूकंपों में से एक था। मुंगेर और मुजफ्फरपुर शहर पूरी तरह से नष्ट हो गया था। यह 8.0 तीव्रता के भूकंप 15 जनवरी 1934 ईस्वी में दोपहर के लगभग 2:13 पर आया था। उत्तरी बिहार और नेपाल में व्यापक क्षति हुई थी। इस घटना का केंद्र पूर्वी नेपाल में माउंट एवरेस्ट से लगभग 9.5 किलोमीटर दक्षिण में स्थित था। जिन क्षेत्रों में सबसे अधिक जीवन और संपत्ति का नुकसान हुआ, पूर्व में पूर्णिया से लेकर पश्चिम में चंपारण तक, उत्तर में काठमांडू से लेकर दक्षिण में मुंगेर तक फैला हुआ था। करीब 465 किलोमीटर तक इसका असर लासा से लेकर मुंबई तक और आसाम से लेकर पंजाब तक महसूस किया गया। भूकंप इतना भीषण था कि कोलकाता में ऊपरी केंद्र से लगभग 650 किलोमीटर तक कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई और सेंट पॉल कैथेड्रल टावर ढह गया। नेपाल में काठमांडू घाटी के 3 प्रमुख शहर काठमांडू, भक्तपुर, पाटन पूरी तरह से नष्ट हो गया। जमीन में दरारें दिखाई दे रही थी। हालांकि नेपाल के संरक्षक देवता पशुपतिनाथ के मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। सीतामढ़ी जिला में एक भी घर खड़ा नहीं बचा। भागलपुर जिला में कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। पटना में सभी इमारतों को नष्ट कर दिया। बिहार में मरने वालों की संख्या 7,253 दर्ज की गई। जब यह सब खत्म हुआ तो चारों तरफ चीखें, दहाने, रोना। लोगों को एक साल तक यही लगता रहा कि भूकंप कल ही आया था। उस समय के जननेता लोगों को मदद के लिए आगे आए और अपना जी जान लगा दिए, जिनमें प्रमुख थे श्री कृष्ण सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिन्हा और बहुत से नेता। अगर यह मेरा छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।